जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है महादशा अंतरदशा। जानेंगे जन्म कुंडली में पड़ने वाली विषुवंतरी महादशा के बारे में और जानेंगे इसके प्रारंभ परिचय के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं ज्योतिष के महादशा और अंतरदशा के बारे में। मित्रों, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह माने गए हैं और इन 9 ग्रहों को 12 राशियों में बांटा गया है। सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि स्वामित्व है, अन्य ग्रहों के पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। विषुवंतरी दशा, विषुवंतरी गणना के अनुसार ज्योतिष में आदमी की कुल उम्र 120 वर्ष की मानी गई है और इन 120 वर्षों में आदमी के जीवन के सभी ग्रहों की महादशा पूर्ण हो जाती है। मित्रों, महादशा शब्द का एक अर्थ है कि वह विशेष समस्त जिसमें कोई ग्रह अपनी प्रबलतम अवस्था में होता है और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। ग्रहों की महादशा का समय इस प्रकार से है। मित्रों, आइए जानते हैं। सूर्य की दशा होती है 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की मित्रों 20 वर्ष की महादशा होती है। मित्रों, इन वर्षों में मुख्य ग्रहों की महादशा में अन्य ग्रहों को भी भ्रमण का समय दिया जाता है, जिसे हम अंतरदशा कहते हैं। इस समय में मुख्य ग्रह के साथ अंतरदशा स्वामी के भी प्रभाव फल का अनुभव होता है। जिस ग्रह की महादशा होगी उसमें उसी ग्रह की अंतरदशा पहले आएगी, फिर ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार ग्रह भ्रमण करते रहेंगे। मित्रों, ग्रहों की अंतरदशा का समय फेमिनिज्म से निकाला जा सकता है। अधिक सूक्ष्म गणना के लिए अंतरदशा में उन्हीं ग्रहों की प्रत्यंतर दशा भी निकाली जा सकती है जो इसी क्रम में चलती रहती है। इससे अच्छी बुरी घटनाओं को ठीक समय का आंकलन किया जा सकता है। मित्रों, विशेष रूप से 6, 8, 12 स्थान में ग्रह की दशा अच्छी नहीं होती है। इस तरह इन भावों के स्वामी की दशा भी कष्ट देती है। मित्रों, किसी ग्रह की महादशा में उसके शत्रु ग्रह की, पाप ग्रह की और नीचस्त ग्रह की अंतरदशा अशुभ फल होती है। मित्रों, शुभ ग्रह में अंतरदशा अच्छा फल देती है। जो ग्रह 1, 4, 5, 7, 9वें भाव में गए हो उनकी दशा अच्छा फल देती है। स्वग्रह, मूल त्रिकोणी या उच्च ग्रहों की दशा शुभ फल होती है। मित्रों, नीच, पाप प्रभावी या अस्त ग्रह की दशा भाव फल का नाश करती है। शनि, राहु आदि ग्रह अपनी दशा की बजाय मित्र ग्रहों की दशा में अधिक अच्छा फल देते हैं। मित्रों, ये थी एक सूक्ष्म सी जानकारी जन्म कुंडली के अंतरदशा, विषुवंतरी दशा और महादशा के बारे में। इसी तरह की ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।